का निशाना साधा और सीएम ने राज्य सरकार की यहाँ पर उपलब्धियां भी गिनाई हैं और हमने प्रदेश के विकास में कोई भी कमी नहीं रखी, सीएम गहलोत ने कहा। और पंडित भंवरलाल का व्यक्तित्व अनूठा है, सीएम गहलोत ने कहा। साथ ही कहा कि वो कभी अपना बात लेकर नहीं आए हैं और ऐसे में भंवरलाल शर्मा जी के विकास के लिए समर्पित थे, क्षेत्रवासियों की वो हमेशा मदद करते थे, एक टीम बनकर उन्होंने लोगों की सेवा की है। और आपके घर का एक ऐसा व्यक्ति चला गया, उनके बेटे अनिल को पार्टी ने समझकर ही टिकट दिया है, राजीव गांधी ने सही मायनों में हमें आईटी की सौगात दी है, पंडित जी अनुशंसा पर हम 100 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं, राजस्थान में बेहतर काम हो रहा है, सीएम गहलोत ने कहा। और इस दरमियान सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में, राजस्थान जैसी योजना किसी भी प्रदेश में नहीं है और किसी योजना में कोई भी कमी नहीं हो रही है। देखिए 12 जोड़ो यात्रा बहुत शानदार चल रही है पूरे देश के अंदर। मैसेज गया है कि राहुल गांधी जी क्या चाहते हैं, महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो और शांति प्रेम भाईचारे राजनीति हो, हिंसा नहीं हो, ये तो है इश्यू। जो जनता के दिलो दिमाग में इश्यू है वही राहुल गांधी जी के दिमाग में इश्यू है, तो वो तो बहुत शानदार चल रही है। इसलिए बीजेपी विचलित हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है और वो अलग अलग प्रचार कर रही है सोशल मीडिया के माध्यम से भी। और मैं समझता हूँ कि उनको समझ में आ रही है कि हमारे खिलाफ जैसे तो बाई इलेक्टर हम लोग एक तरफा जीतेंगे, 8 में से 6 चुनाव हम जीतते हैं, बाई इलेक्शन जीतते हैं 8 में से 6। जवान की जब्त हुई है बीजेपी, थर्ड नंबर पर रही बीजेपी 8 चुनाव के अंदर, और ये चुनाव तो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। अभी तक जो हमने फैसले किए हैं हिंदुस्तान के अंदर किसी भी राज्य में ऐसे फैसले नहीं हुए जो हमने किए थे, कर्मचारी वाली OPS हो, चाहे स्वास्थ्य की बीमा योजना हो, चाहे नरेगा चला दिया हमने शहर के अंदर, एक से बढ़कर एक फैसले हो रहे हैं राजस्थान के अंदर बुरी हमारे से लिए। तो मैं समझता हूँ जनता इन बातों समझती है कि अल्टीमेटली हमारे हितों की रक्षा करने वाली सरकार कांग्रेस कटारे में सब बुखलाए हुए लोग, सब बुखलाए लोग लोग बारह में 3 तारीख से यात्रा भी आ रही है राजस्थान के अंदर, सवाल बुखला गए हैं ज़्यादा इन लोगों में दम नहीं है, कांग्रेस जीती बहुत भारी बहुमत।